फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए, जैसे कि मैंने एक्सेल में डेटा को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बट इसके बावजूद कोई भी यूजर उस डेटा को बहुत इजीली कॉपी कर लेता है। क्या एक्सेल में ऐसा कोई फीचर है जिसके थ्रू आई कैन स्टॉप द यूजर फ्रॉम कॉपिंग द डेटा? क्या ये काम विदाउट वीबी हो सकता है, क्योंकि मुझे कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं है? दोस्तों, अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसको यूज करने के बाद कोई भी डेटा को कॉपी नहीं कर पाएगा, एंड ये ट्रिक हम लोग विदाउट वीबी करेंगे। अगर आप लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो, ऐसी अमेजिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास डेटा जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से कि कोई भी यूजर इस डेटा को कॉपी ना कर पाए, क्योंकि आज के टाइम में डेटा की बहुत ज्यादा वैल्यू है। यूजुअली हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? हम लोग जाते हैं रिव्यू टैब पे, क्लिक करते हैं प्रोटेक्ट शीट पे, यहाँ पर जो भी पासवर्ड हमें डालना है पासवर्ड डालते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 123 डालता हूं अभी के लिए, एंड हम लोग अपना पासवर्ड री एंटर करते हैं एंड क्लिक ओके। तो ऐसे हम लोग अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर कोई भी बंदा किसी भी तरह की एंट्री नहीं कर सकता, बट कोई भी यहां से डेटा को बहुत इजिली कंट्रोल सी के थ्रू डेटा को कॉपी करके किसी भी शीट में या किसी भी अदर एक्सेल फाइल में पेस्ट कर सकता है, एंड हमें इसी चीज को रोकना है, जिसके लिए मैं सबसे पहले इस शीट को अनप्रोटेक्ट कर लेता हूं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको जाना है रिव्यू टैब पे, प्रोटेक्ट शीट, एंड यहां पर जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें आप अपना पासवर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि 123 मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। आपको ओके पे क्लिक करने से पहले आपको इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक करना है, ये यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके पे, एंड आपको अपना पासवर्ड री एंटर करना है एंड क्लिक ओके। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। एक्सेल किसी भी यूजर को कॉपी करने से नहीं रोकता। अगर मैं कंट्रोल सी करूंगा तो देखिए, जिस सेल को हमने लास्ट में सिलेक्ट किया था वो सेल यहां पर कॉपी हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको इस चीज का ध्यान रखना कि एक्सेल हमें कॉपी करने से नहीं रोक सकता, इसीलिए हमने उस सेल को सिलेक्ट किया था लास्ट में जो सेल ब्लैंक है। अब जो ट्रिक हमने यूज की है उसके थ्रू यूजर किसी भी सेल पे क्लिक नहीं कर सकता, जिसका मतलब यूजर किसी भी डेटा को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर यूजर किसी भी डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो कॉपी भी नहीं कर पाएगा। अगर वो कॉपी करेगा तो सिर्फ उस सेल की वैल्यू को जो ब्लैंक है, जो हमने लास्ट में सिलेक्ट की थी। सो फ्रेंड्स, ऐसे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो कॉपी करने से। आप लोग कमेंट करके बताइए, आज से पहले कितने लोगों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नई एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।